हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंसेस्टर वी हैव. ओके, सो जो हमारा जो फेस है, हमारे जो फीचर्स जो हमको मिलते हैं, या समझो कि बालों का स्ट्रक्चर है, या स्किन का टेक्सचर है, या आपकी बात करने का टोन है, ये किसी ना किसी से तो मिलता ही है. ठीक है, बिकॉज इन आवर डीएनए वी हैव ब्रॉट दैट. ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं, मिथिलेश जी, आपके बाल आपको क्या लगता है किससे मिलते होंगे, कैसे, किसके हैं आपके घर में बाल, जैसे आपके हैं? बुआ जैसे होगा. हाँ, बुआ जैसे. कैन यू इमेजिन द बुआ जैसे? काफी लोग बोलते हैं बुआ जैसे है. राइट. और भावना जी, आपकी आईज किससे मिलती है घर में? माय ब्रदर इज ओके, बट ब्रदर ने भी तो कहीं से ली होंगी ना, वो तो आप ही की जनरेशन का हो गया. बुआ देखो, अभी उस दिन हम लोग आप लोग ही पूछ रहे थे ना कि बुआ मौसी का भी होता है क्या. सो सी, क्यों नहीं होगा, व्हेन यू कैन टेक द टेक्सचर और आईज और हेयर टेक्सचर फ्रॉम योर बुआ, तो व्हाई नॉट, दे कैन बी देयर. ओके, दे कैन बी द काइंड ऑफ ट्विस्टर ऑफ योर लाइफ, राइट. प्रीति जी, यू टेल मी, आपका फेस या नोज, फेस में क्या होता है, नोज इज द वन टेल्स यू द होल स्टोरी. सो हुज नोज यू आर कैरिंग? माय फादर, पापा. And father's nose? Like my grandfather. So she is taking a lot from father's side. Her fame and pride is from father's side. Is it? Yes, absolutely. See how it is. Even if you see the way you are taking care of yourself, like my mom, she is a very big beauty conscious, you know. तो सिंस आई एम इन, सी पहले क्या होता था, जब मैं इस लाइन में नहीं थी, फॉर मी टू बाइंग अ क्लोथ मींस बाइंग द एक्सेसरीज टुगेदर, फुटवेयर, एवरीथिंग हैज टू बी यू नो परफेक्ट. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, बट माय मॉम इज स्टिल लाइक दैट. उनके सुबह उठते ही बाल करेंगे एंड वो सुबह से एकदम ऐसा लगेंगे जैसे अभी नहा धो के आई है, यू नो, जबकि वो नहाई नहीं होती है. एंड उनका सुबह का पूरा रूटीन होता है कि अब ये करना है, अब वो करना. आई वॉज लाइक दैट, बट अदरवाइज आई डोंट डू टू मच ऑफ मेकअप और दिस दैट, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं. बट वेयर आई रिजेंबल टू माई मदर, व्हेन आई एम गोइंग समवेयर आउट फॉर द पार्टी, देन एवरीथिंग हैज टू बी परफेक्ट. सो ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम यू डू एग्जैक्टली लाइक अ मदर, बट व्हेन द टाइम कम्स व्हाट यू डू, जब समय आता है तब क्या करते हो. सो शी एडमायर हर फेमिनिटी अ लॉट. सो Femininity has its own yes or no. Like, you know, बहुत सारी चीजों में मेरी मदर को शायद बहुत प्राउड है अपने, क्योंकि शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. अभी भी वो सुंदर है, लगेगा ही नहीं मेरी मम्मी है, तो अभी भी वो बहुत सुंदर है, और तब तो बहुत ही सुंदर थी जब अपने टाइम पे थी. तो यू नो, शी हैज लॉट ऑफ प्राउड ऑन आवर ब्यूटी, गॉट इट. सो ये कुछ है, पर कुछ चीजें जो अपनी लाइफ में वो करना चाहती थी, बिकॉज ऑफ बींग अ वुमन शी कुडंट डू. Like she wanted to become a professor. तो बहुत सारी चीजें, तो आपके ना हर चीज में, आपकी manliness में भी बहुत कुछ आपके father जैसा होगा, लेकिन कुछ father के जो चीजें complete नहीं हुई, जिनको बोलते unhealed issues of being a man. तो बहुत सारे unhealed issues in a woman will be there. Okay, ये सब कुछ हमको हमारे biological ancestors से मिलता है, right? सो देर विल बी मे बी एक लड़की बहुत मतलब बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं है, दो इट इज काइंड ऑफ जजिंग, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि कोई लड़की सुंदर नहीं, पर उसकी मदर बहुत सुंदर है, राइट. यू विल सी दैट गर्ल विल गेट अ वेरी ब्यूटिफुल हस्बैंड, हैंडसम हस्बैंड, बिकॉज दैट रिफ्लेक्ट इन. आपने देखा कभी, नोटिस किया, लड़कियां इतनी सुंदर है, उनको हस्बैंड बहुत सुंदर मिलते हैं, बहुत हैंडसम मिलते हैं, नोटिस्ड? Because it is the mother she is representing in the husband. So you have your biological ancestor. Who are they? जिनसे आपकी आंख नाक सब मिलता है. हाँ जी, कृष्णा जी आप म्यूट कर लीजिए. So
सो दीज ऑल आर योर बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स, ओके, जिनसे आप आए, जिनसे आपका डीएनए आया, जहां से आपने सारे पैटर्न्स लिए हैं, जहां से आप जैसे दिखते हैं, दीज ऑल आर योर बायोलॉजिकल एंसेस्टर. इनका काम होता है कि आप जो भी सबकॉन्शियसली, जैसे आपकी कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, आपने चीनी नहीं खाई कभी ज्यादा, ओके, आपने कभी ज्यादा नमक नहीं खाया, आपने कभी ज्यादा तेल मसाला नहीं खाया, फिर भी आपका बीपी हाई है, फिर भी आपको शुगर हो गई है, तो व्हाट इज दिस मीन? लाइक कहीं से तो वो प्रेशर आ रहा है ना आपके ऊपर, कहीं कोई बिलीफ सिस्टम आपके ऊपर काम कर रहा है. दिस कम्स ओनली फ्रॉम योर बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स, ओके, आपके सारे आपसे पहले जो इस अर्थ पे आए, जिन्होंने अपनी लाइफ जी और कुछ चीजें वो क्रिएट करके गए, कुछ एनर्जीज वो क्रिएट करके गए, बिकॉज अर्थ का एक रूल है. मान लो प्रीति हैज कम, प्रीति जी हैज कम, रूपा जी हैज कम, एंड अदर पीपल हैव कम, लाइक कृष्णा हैज कम ऑन द अर्थ, ये वाले कृष्णा, नॉट भगवान कृष्णा, सो दे ऑल हैव कम ऑन द अर्थ, बट इनकी एनर्जी हमेशा एंकर रहेगी अर्थ के अंदर, इट विल नॉट गो एनीवेयर, ओके. ये हम और अच्छी तरह समझेंगे जब मैं आपको इन्फॉर्मिंग फील्ड और नोइंग फील्ड के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है. सो जब आप चले जाते हो तो वो एनर्जी आप किस तरह से जिए, आपने कितनी अच्छी या बुरी एनर्जी क्रिएट की, या कितने अच्छे पैटर्न्स क्रिएट किए, बुरे पैटर्न क्रिएट किए, वो सब यहाँ अर्थ पे रहता है. तो दैट इज हाउ यू आर टेकिंग इट, ओके. सो यू आर योर एंसेस्टर्स, योर बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स आर नॉट दैट, दे आर लिविंग विथ यू, राइट. So these all are your dada nana, jo aapse pehle aaye, they all are your biological ancestors, okay. Now how to deal with them, so kaise aapko deal karna hai unke sath, every day morning say thank you to your ancestor whatever you are today, okay. Go back in time, maybe kabhi aap 5 generation dekhoge, kabhi 7 generation dekhoge, kabhi 8 generation dekhoge, तो आपको करना ही है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये चीज मुझे बाद में ज्यादा समझ में आई, वो टाइम पे उतना समझ नहीं आई. व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन अफ्रीका, तो आई यूज्ड टू थिंक कि हमारे घर में जो श्राद्ध होता है ना, तो वो श्राद्ध मेरी जो जेठानियां हैं या जो मेरी सास हैं वो कर लेती हैं, तो मुझे करने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे पता. देन इस्कॉन टेम्पल की देखरेख मिश्रा अंकल आंटी करते थे, तो उन्होंने, आंटी ने मुझे बोला कि देखो बेटा, जब आपकी चूल्हा अलग हो जाता है ना, तो आपको कुछ दान निकालना चाहिए. वो आपका पहले जमाने में सब साथ रहते थे, तो इट्स ओके, वो करती थी तो आपको लगता था, लेकिन अब के टाइम में आप नहीं रहते हो, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. इसका मतलब क्या होता है, एवरी बडी हैज टू पे देयर पार्ट, ओके. कि ऐसा नहीं है कि आपके घर वाले कुछ करें और आपको करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, आपको भी करना है. एंड उन्होंने एक चीज और बोली थी विच इज एक्चुअली वेरी ट्रू, जबकि वो साइंस मैंने तब नहीं पढ़ी थी, वो बोलते थे कि अगर आप ये करोगे आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, आपके बच्चों को प्रोग्रेस हो. सो एक्चुअली यू आर गिविंग स्ट्रेंथ टू योर डीएनए टू ग्रो मोर पावरफुली, एंड यू आर एम्पावरिंग योर डीएनए व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर एंसेस्टर, नॉट ओनली फ्रॉम योर इन लॉ साइड, ऑल्सो फ्रॉम योर मदर फादर साइड. जितने इमेजिन कर सकते हो करो, कोई जबरदस्ती नहीं है. और जितने इन लॉज के साइड कर सकते, दो मे बी यू डोंट लाइक योर इन लॉज, मे बी यू डोंट लाइक योर पेरेंट, डजंट मैटर. एवरी डे मॉर्निंग यू हैव टू से थैंक यू वॉट एवर यू हैव टू डे. कई बार हमारे रिलेटिव जो बहुत क्लोज वंस, जैसे चाचा मामा मौसी बुआ ही होते हैं, जिनसे हमारी बिल्कुल बोलचाल नहीं होती, घर में बहुत सारे पंगे होते हैं उनके साथ, उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा होते हैं, ठीक है. बाकी को तो हम छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. पर इनको तो हम छोड़ नहीं सकते, बिकॉज दे आर इन टू आर ब्लड रिलेशनशिप, इवन इंक्लूड देम ऑल्सो, ओके. बिकॉज फॉर योर चिल्ड्रन वन डे दे आर गोइंग टू बी देयर एंसेस्टर, राइट. तो अभी से वो लिंक आप एस्टेब्लिश कीजिए अपने बायोलॉजिकल एंसेस्टर्स को लेकर के, कि आप रोज उनको थैंक यू बोलें, ओके. नो मैटर आपकी सास कैसी थी, आपकी सास की सास कैसी थी, या उसके घर वाले कैसे थे, अगर थैंक यू बोलते हुए कोई ऐसी एंसेस्टर आता है जिसको आप नहीं जानते आपके माइंड में, तो उनको भी थैंक यू बोलो, बिकॉज
when they come with lot of effort. कोई भी एंसेस्टर जो आपके सपने में भी आता है, they take lot of effort to come to your dream. You got my point? वो कुछ ना कुछ आपको बताने आते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, या आपको पहले से कोई चीज बताना चाहते हैं कि ऐसा करो और ऐसा मत करो, राइट? सो बायोलॉजिकल एवरी एंसेस्टर थ्री देर आर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ एंसेस्टर. सो जो आपके बायोलॉजिकल एंसेस्टर हैं, उनको आपको बहुत थैंक यू बोलना है एवरी डे. यस नमिता जी, यू आर म्यूटेड. मैम मुझे पूछना था कि कईयों का डिवोर्स हो जाता है तो फिर वो फैमिली से अलग हो जाती है, तो उसके बाद भी उनको लॉस साइड के जो एंसेस्टर्स है उनका मतलब बच्चा है, बच्चा तो है मैम, पर वो लेडी तो साथ मतलब अब डजंट मैटर, शी इज द फर्स्ट, यही आप सीखोगे, शी इज द फर्स्ट वाइफ एंड शी विल रिमेन द फर्स्ट वाइफ इवन दो शी इज डिवोर्स्ड. ओके, तो शी विल फॉलो द एंसेस्टर्स का रिचुअल जो है वो करना ही चाहिए. जैसे एक राजा की तीन रानियां हैं, ठीक है, तो तीनों रानियों की अपनी जगह होगी. जो पहले वाइफ बन के आई उसकी पहली जगह, जो दूसरी वाइफ बन के दूसरी जगह, जो तीसरे तीसरी जगह, राइट? कोई किसी की जगह नहीं ले सकता फैमिली सिस्टम में, राइट? अगर चले तीन में से एक ने डिवोर्स ले लिया, स्टिल वो उसकी दूसरी बीवी रहेगी ही रहेगी, बिकॉज शी कॉन्ट्रीब्यूटेड दैट एनर्जी देयर. सो अगर बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, इजिली यू कैन कट द कॉर्ड्स, यू कैन they have their separate life, that's okay, but उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है family constellation में जो आपको resolve करनी होती है, right? लेकिन अगर बच्चा है तो she cannot cut 100% because the DNA is still there. Yes. So she has to say thank you for everything. Despite all, keep on saying afterwards also. हाँ, बच्चे के लिए कर रहे हैं ना हम, तो हमारा आगे आने वाला कौन है, वो बच्चा ही है. Okay. At the child. Yes, Dr. Iqbal ji. मैम जैसे मेरी दो दादियां थी, मेरी जो रियल जो फर्स्ट मेरे दादाजी की दो मैरिजेस थी, तो जो मेरे फादर की मदर थी वो फर्स्ट वन थी, तो मुझे दूसरी दादी को भी थैंक यू बोलना है या अपने अपनी नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरी भी दो दादियां हैं, मेरे पापा बहुत छोटे थे तब उनकी मदर की डेथ हो गई, तो ऐसा थोड़ी है कि मेरी दूसरी दादी की कोई वैल्यू नहीं है. शी इज द सेकंड वाइफ, मतलब शी इज माय सेकंड दादी, शी इज द सेकंड मदर ऑफ माय फादर, शी इज द पार्ट ऑफ द फैमिली, इट इज डन. इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू से थैंक यू, क्योंकि अगर चार दिन भी कोई आपको रोटी खिला देता है तो उसके साथ आपका एनर्जी कॉर्ड्स बंद जाता है, तो ये तो मदर की जगह पे आएंगे. यू कैन नॉट टेक द इमेजिनेशन करती हूँ, क्योंकि मैंने तो अपनी रियल दादी को तो देखा नहीं है, जो दूसरी दादी है उन्हीं को ही देखा है, वो पाकिस्तान में ही उनकी डेथ हो गई. हमने तो हमारे सात पीढ़ी पहले जनरेशन को भी नहीं देखा है, लेकिन उसके ऊपर हम कॉन्सलेशन करेंगे ना, कहाँ कहाँ बवाल करके गए वो, ठीक है, राइट? तो उनकी नेगेटिव चीजें ही क्यों हमें सॉल्व करनी है? जब तक आप उनको एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप सॉल्व कर ही नहीं सकते. आर यू गेटिंग मी? यस मैम, यस. सो जो आपकी फैमिली में इंक्लूड होगा, अभी तो आप पूरा चार्ट समझोगे कि फैमिली में इंक्लूड किस किस को किया जाता है, वो पूरा चार्ट है, उसमें आपको सब समझ में आएगा. यस मैम, कोई विडोवर है बच्चों के साथ, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, दे गो टू द अनदर हाउस, देन व्हाट? He has to take the permission of all the ancestors to live this life. पहली शादी से भी, दूसरी शादी से भी, because जहां भी उसके बच्चे हैं वहां पे उनको उसका भी सपोर्ट चाहिए, और जिनको छोड़ दिया उनके लिए भी तो उनके बच्चों को सपोर्ट चाहिए ना. बाप तो नहीं चेंज कर सकते ना. She is a widower. हाँ. डैड तो पहली बीवी तो थी, पहले किसी की बीवी तो थी ना, तो उनको भी थैंक यू बोलना है. देखो एक जगह जो आपने बना ली ना इस दुनिया में, चाहे वो दूसरी जगह हो या उस जगह को छोड़ के कहीं भी चले जाओ, पर वो जगह पे आप उसकी बीवी थी, उस घर की बहू थी, चाहे वो लड़का बड़ा था छोटा था. अब मान लीजिए उस घर का कोई बच्चा चार्ट बनाएगा, फैमिली ट्री बनाएगा, तो लिखेगा ना कि शी वॉज द वाइफ, तो वाइफ तो वो रहेगी ना. नहीं मैम, उसका बच्चा भी है, उसका बेटा है मैम, अभी दूसरे घर पे शादी किया, तो बेटा भी सेम ये एंसेस्टर्स और वो एंसेस्टर्स, सेम हस्बैंड से जो मर गए उनसे एक बेटा है मैम, और दूसरी शादी की, अब वहाँ बच्चे उनके हस्बैंड के बच्चे, दूसरा जो शादी किए ना जिनसे, उनके अपने बच्चे है. हाँ, दैट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. Now she is the wife, second wife of this husband and first wife of that husband.
क्योंकि वो तो चले गए, लेकिन वो जाने के बाद उनकी जगह खाली नहीं हो जाती है। इसी तरह उनकी वाइफ का जहाँ फैमिली ट्री बनेगा उनकी वाइफ के नाम पे तो इनका नाम आएगा ही ना, तो वो तो थैंक यू उनको वहां पे भी बोलना पड़ेगा ना। नहीं मैं हमें बोलूं कि जो बच्चा है उसको दोनों एंसेस्टर्स को बोलना है जहाँ अभी गया और पहले जो करने yes, को yes, yes, दोनों को जहाँ पल रहा है वहां पे भी उसका ऑब्लिगेशन बनता है भाई कि हाँ ये लोग मुझे रख रहे हैं, और जिनका वो एक्चुअली डीएनए है उनको भी थैंक यू बोलना पड़ेगा ना। लाइक अभी मैं बात कर सकती हूँ, मेरे यहाँ जो खाना बनाने आती है ना उनको उनका जो पहला हस्बैंड है ना उसके उसके साथ बहुत बड़ी अनबन झगड़ा हो गया, वो छोड़ के उसको दूसरी किसी और से शादी कर ली, एंड अभी उसके बेटे का सरनेम जो है वो लगाती है ये वाले हस्बैंड का। नाउ शी इज कंप्लेनिंग कि बेटा मेरा सुनता नहीं है। मैंने कहा कैसे सुन लेगा, तुमने सरनेम जो जिसका वो है डीएनए उसको हटा दिया तुमने, तो कंफ्यूज रहेगा ही ना। एंड ही यूज्ड टू बी सो एंग्री विद द मदर। समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट गिविंग राइट अथॉरिटी टू योर चाइल्ड कि भाई जिसका बच्चा है जिसका डीएनए है उसी का सरनेम लगाना चाहिए ना, ये तो उसका स्टेप फादर है, वो स्टेप फादर ही रहेगा, सगा फादर नहीं हो जाएगा, लेकिन वो इधर भी थैंक यू बोलेगा, वो उधर भी थैंक यू बोलेगा, क्योंकि उसके बिना तो उसका जन्म नहीं हो सकता था ना। सो दिस इज हाउ इट इज। अब आप लोग समझे ना, मैंने फिर इनको बहुत समझाया, मैंने कि शायद ही ऐसे नहीं होता है, आपका बेटा जिस हस्बैंड से है आपको उसी का नाम लगाना पड़ेगा। वो उनका दिमाग चक्कर खा गया, उन्होंने कहा ये कैसे होता है, और मैंने कहा दिस इज द ट्रुथ, आप सच को तो नहीं निकाल सकती ना, ये सच तो नहीं है कि ये उसका फादर है, इसका सरनेम कैसे लगा दोगे आप, राइट? बट दिस इज ऑल्सो अ चॉइस। और ये बच्चा बहुत परेशान रहता है, उसको लिवर का प्रॉब्लम है, ये है वो है, मैंने कहा ये तो होना ही है ना, आपने उसके डीएनए में किसी और की एनर्जी घुसा दी, उसको अपने फादर से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उसका एनर्जी कैसे बिल्डअप होगा। अब आप समझे बात मेरी।